हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रो रिएक्शन पे। सो गाइस, कल ही सॉन्ग एक और गाना आया है सुमित गोस्वामी का, अमेजिंग सॉन्ग। एंड ये गाना सजेस्टेड है भाई मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा। उन्होंने कल रात को मुझे सॉन्ग सजेस्ट किया था। थैंक्स फॉर सजेशन, कि आप लोग सजेशन देते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप लोग कमेंट करते हो उसके लिए भी, एंड सब्सक्राइब करते हो उसके लिए, सबके लिए थैंक यू। एंड तो आज उसी सॉन्ग पे रिएक्शन होने वाला है। गाने का नाम है सेम ठिकाना बाय सुमित गोस्वामी। एंड यू नो, गाना अमेजिंग होने वाला है। जहां तक रिव्यूज देखे थे मैंने, काफी ज्यादा बेहतरीन रिव्यूज है। सुमित गोस्वामी ने गाया है तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। तो देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है सॉन्ग। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आप अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, और जो नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेलकम टू द रो रिएक्शन। और जो पुराने हैं वो तो भाई उनको घर में हर किसी को वेलकम, घर में सबको वेलकम नहीं किया जाता, जो पुराने सदस्य हो जाते हैं ठीक है। फिर भी आप लोगों का ना हमेशा आप लोगों के लिए हमारे चैनल के यू नो दरवाजे खुले रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब एंड लेट्स गो। फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस चलो फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सॉन्ग के क्रेडिट्स, कि किन किन लोगों ने काम किया है। तो टाइटल सॉन्ग नेम इज सेम ठिकाना, सिंगर सुमित गोस्वामी एंड जेरी। ओके, तो दो सिंगर है भैया। एंड लिरिक्स एंड कंपोजर स्वामी गोस्वामी एंड जेरी। ओके, एंड फीमेल लीड रुमन अहमद। ओके, एंड म्यूजिक साइन एंड वीडियो S2X एंड डायरेक्ट बाय साहिल सिंधु एंड सुमित सान्यवाल। ओके, एंड प्रोड्यूसर बाय राव इंद्रजीत सिंह एंड डिजिटल प्रमोशंस बाय जेम डिजिटल। ओके, एंड जो कॉपीराइट और जो म्यूजिक लेबल बाय है वो भी जेम ट्यूनिंग हरियाणवी द्वारा ही किया गया। एंड रिप्रेजेंटिंग बाय सुमित गोस्वामी, की मतलब सुमित गोस्वामी के जो चैनल पे है उनके चैनल पे आया सॉन्ग। तो फटाफट देखते कैसे क्या रहता है, लेट्स गो। काम यार का बोल है चर्चा से अखबार में। नाइस, स्वैग लेवल शो अलग से हो रहा है रैप के अंदर। Yeah.
लोग कैसे शेयर मैंने एक ही वक्त पे गा रहे हैं मैं भी यार ये अलग था मतलब सॉन्ग वाज ग्रेट मतलब मजा आ गया भाई गाना सुन के और लास्ट में मतलब दोनों ने जैसे कि मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशन में सॉन्ग सुने हैं लेकिन सेम टाइम पे सेम दोनों गाना गा रहे हैं वो मैंने पहली बार यू नो ऐसी चीज यू नो एक्सपीरियंस किया और अमेजिंग वर्क एंड मस्ट से भाई जैरी मतलब स्वामी को स्वामी से तो मैं फिर भी यू नो मैंने पहले भी गाने सुने उनके ही इज अ ग्रेट सिंगर जैरी एज वेल एज ऑल्सो मेरे लिए आप लोगों के लिए पता नहीं फैमिलियर है या नहीं है मेरे लिए काफी अननोन थे एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा गाना गाया उन्होंने भी व्हाट अ कोलैबोरेशन मस्त से मजा आ गया भाई गाना सुन के सो गाइस दिस इज अ सॉन्ग बाय सुमित गोस्वामी सेम ठिकाना और भाई अमेजिंग सॉन्ग से बताओ कहते हैं ना पूरा एक स्वैग लेवल था भाई सॉन्ग में मस्त से एक स्वैग कैरी कर रहे थे दोनों और वो चीज गाने में बिल्कुल हाईलाइट हो रही थी एंड अमेजिंग मतलब वोडा लिरिक्स भाई दोनों ने मिलके मतलब लिरिक्स में भी दोनों साथ में ही थे और सिंगिंग भी दोनों साथ में की है अमेजिंग वर्क भाई मजा आया सही में कोलैबोरेशन देख के और मुझे मतलब मैंने बताया भी था कि दोनों एक साथ गा रहे थे वो तो मतलब मेरा फेवरेट पार्ट था और जारी का रैप वॉज अमेजिंग मतलब एक अलग ही स्वैग लेवल है भाई दोनों का सही में और गाने में दिख रहा था और तो और इतनी अच्छी और मैं वीडियो के बारे में जरूर कहना चाहूंगी अब ऑल ऑफ द मोस्ट जितने भी हरियाणा के सॉन्ग होते हैं सारे के सारे ना थोड़ा बहुत फॉरेन टच उनमें होता है इसमें भी काफी ज्यादा फॉरेन टच था और रही बात एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन भी पिकअप कर रहा था सॉन्ग एंड शो इज स्वैग और एज वेल एज इन दिस सॉन्ग अमेजिंग वर्क कुल मिला के सो भाई मुझे तो गाना बहुत बढ़िया लगा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दैट्स माय रिएक्शन वीडियो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ कीप सपोर्टिंग एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना जाने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइज गुड बाय